27 जुलाई का यह दिवस जागतिक कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर तीन प्रकार के होते हैं और कैंसर के कीटाणुओं पर रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार की दवाओं एवं किरणों से भी इलाज करवाया जाता है। 27 जुलाई को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि कैंसर बीमारी के विशेषज्ञ एवं प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो अपनी सेवाएं स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर रंजीत मांडवे द्वारा मरीजों की जांच करवाई गई। आपको बता दें, अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के आर्थिक प्रयासों से 27 जुलाई से डॉक्टर रंजीत मांडवे ने अब अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम का संचालन विनोद साबड़े ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, प्रमुख नवनियुक्त डॉक्टर रंजीत मांडवे का गुलाब पुष्प देकर सत्कार एवं सम्मान किया गया और उसके बाद सभी अन्य डॉक्टर एवं रुग्ण सेविकाओं का भी सत्कार किया गया। उसके बाद कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत मांडवे ने कैंसर की बीमारी पर जानकारी दी। मित्रांनो, आज वर्ल्ड हेरिटेज कैंसर डे मानवाने व्यसनांची निर्मिती आणि हळूहळू तो व्यसनाधीन झाला आणि या व्यसनधीनचाच परिणाम म्हणजे आज आपण मुख्य रोग म्हणजे कर्करोगाकडे वळतो। आज कर्करोग आतासारख्या देशाला जीवनभूत करत चालला। आज जगामध्ये आपण पाहिलं तर रुग्णांची संख्या, कर्करोगाची संख्या भारतामध्ये भारतात चौथा नंबरला आणि आज भारतामध्ये पाहिलं आपण तर जवळपास दरवर्षी 1,20,000 लोक यांनी म्हणजे मृत्यू पडतात। इस समय समस्त मरीज भी यहाँ पर उपस्थित थे। ते ओळखणारच जर कोणताही चट्टा असेल गालामध्ये, तोंडाच्या आतमध्ये, गळ्यामध्ये जो दोन अत्यंत वळती आहे, कोणामध्ये गाठ आहे, गळ्यात त्रास होतो आहे, नाकामधून रक्तस्राव होतो आहे, गळ्यामधून रक्तस्राव होतो आहे, कानामध्ये दुखत आहे किंवा अशी गाठ गळ्यामध्ये जी आपल्याला निदान होत नाही आहे दोन ते चार तर त्याचं प्राथमिक तपासणी तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांकडनं करून घ्या। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने भी डॉक्टर रंजीत मांडवे की जानकारी देने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। परंतु कैंसर सारे आजाराचं जर सुरुवातीला निदान झालं नक्कीच त्याचा पुरेपूर फायदा होतो आणि ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपण यापुढे नियमितपणे अशा प्रकारचे शिबिर आयोजित करणार आहोत जेणेकरून ज्या रुग्णांना ही कॅन्सरची लक्षणे आहेत त्यांनी या ठिकाणी येऊन आपल्या डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी, त्या रोगाचं निदान करून घ्यावं आणि जो काही पुढे होणारा त्रास आहे तो कमी कसा करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करावे असे सगळ्यांना विनंती करतो। साथ ही कैंसर की बीमारी से जुड़े विषय पर अन्य डॉक्टरों ने जानकारी दी और उसके बाद डॉक्टर रंजीत मांडवे ने आए हुए मरीजों की जांच करवाई। इस जांच के दौरान जहां एक छोटी सी बच्ची भी आई थी जिसे कान के पास एक गांठ थी और एक ऐसा मरीज भी पाया गया जिसके नाक के नीचे और दोनों गालों का भाग कैंसर के चलते सड़ चुका था। ऐसे मरीजों की भी डॉक्टर मांडवे द्वारा जांच करवाई गई। आपको अति हर्ष के साथ बताया जाता है कि गरीब एवं आर्थिक परिस्थिति से कमजोर मरीज अब अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में जाकर अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं और अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में वर्ष 2012 से शुगर, ब्लड प्रेशर और अनेक बीमारियों पर इलाज की सुविधा और ऐसे मरीज जो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते उनके निवास पर भी जाकर अपनी सेवाएं डॉक्टर्स दे रहे हैं। इस संदर्भ में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के NCD समुपदेशक विनोद साबड़े ने जानकारी देते हुए बताया। राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम गए 2012 से चालू है। यहाँ पे अमरावती जिला और उपजिला रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, यहाँ पे भी BP, शुगर, डायलिसिस, हार्ट डिसीज और कैंसर के बारे में जाँच की जाती है और उनको दवा भी दी जाती है। जिला सामान्य रुग्णालय अमरावती में OPD नंबर 11 में सुबह से 9 बजे से 1 बजे तक 30 साल के ऊपर
उनकी बीपी, शुगर, पैरालिसिस, हार्ट डिजीज की जांच की जाती है और उनको औषधोपचार दिया जाता है। 27 जुलाई के इस कार्यक्रम में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रंजित मांडवे, पावर ऑफ मीडिया के जिला अध्यक्ष उमेश लोटे, पावर ऑफ मीडिया के राज्य सदस्य अमोल नानोटकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शंतनु राउत, जिला समन्वयक डॉक्टर रामदास देवघरे, वैद्यकीय अधीक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी, एनसीडी समुपदेशक विनोद साबळे, एनसीडी रुग्ण सेविका वैशाली दामोदर, माधुरी खवले, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर वानखडे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गुर्जर, एनसीडी रुग्ण सेविका सीमा जेअरकर एवं अस्पताल के कर्मचारी और साथ ही वीसीएन न्यूज ब्यूरो से शोएब खान उपस्थित थे। वीसीएन ब्यूरो अमरावती।